हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और एक सरल तरीके से मिठाई जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और अचानक से घर में मेहमान आ जाए और कुछ खाने को मीठा बनाना हो तो आप झटपट से ये ब्रेड एक ब्रेड लीजिए और झटपट से ये मिठाई बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेडों को गोल गोल कटिंग कर ली है और ये जो बाकी हमारे ब्रेड बचे हैं इनको हम किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो ये सारे हमने जो कटिंग करी है इसको हम साइड में रख देंगे। तो आप इसको कोई भी शेप में काट सकते हैं, मैंने इसको गोल शेप में ही काटा है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे मलाई। ये आमतौर पे जो हमारे घर पर मलाई मिल जाती है दूध के ऊपर की, ये वही फ्रेश मलाई ली है मैंने यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा सा फैट लूँगी। थोड़ा सा फैटने के बाद इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और किशमिश, जो कि इसमें मैं मिक्स कर दूँगी मलाई में। तो ये अच्छा सा एक बैटर तैयार हो जाएगा जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ब्रेड लेंगे और ये एक एक चम्मच हम इसके अंदर ये स्टफ़ी भर देंगे। तो ऐसे हमने स्टफ़ी लगाई और इसके ऊपर ये डबल ब्रेड लगा दिया। तो ये देखिए, ऐसे ही हमने सारे अपने ब्रेड जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो ये बहुत ही यमी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्विक सी रेसिपी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस स्वीट को, तो आपको ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे सब तैयार कर लिए हैं। अपने सब में मैंने ये बैटर लगा दिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो अब हम इसमें लेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा तो जैसे कि आमतौर पर हमारे घर में होता ही है, ये मैंने एक कटोरी रूह अफ़ज़ा लिया है। और मैं सारे ब्रेड को, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी ले लिया है, यानी कि बूरा। आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं सारे ब्रेड को इसमें डिप करती जाऊँगी। डिप करने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें अब मतलब कि पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें जो हमारा ये नारियल का बूरा लिया हमने, बुरादा लिया है जो भी है, इसको हम इसमें लगा देंगे। तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे करते करते हम मैं सारे अपने डिप कर लूँगी और इसके ऊपर ये कवर कर दूँगी नारियल से। तो ये बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही यमी है। तो आप भी खाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो उनको झटपट से ये रेसिपी बना के दीजिए। यकीन मानिए, वो बार बार पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये रेडी हो गया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर हम थोड़े से गार्निश के लिए बादाम, काजू या किशमिश, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये और भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।